Good morning, students. I'm Lavesh Vaidya. I'll be teaching you skating for this academic year 2021-22. Showers of blessings, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round. Showers of blessings, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessings we need. Hello everyone, my name is Lavesh Vaidya and I am your skating coach for this academic year 2021 and 22. Yes, aapne sahi suna.
आई एम योर स्केटिंग कोच। अब बहुत सारे सवाल आए होंगे आपके दिमाग में कि सर ऑनलाइन स्केटिंग कैसे होगा, सर हम स्केटिंग कैसे करेंगे, सर स्केटिंग के लिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है, सर घर में स्केटिंग होगा, सर क्या हम स्केटिंग कर, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सर में होंगे। ओके, सबसे पहला जवाब है यस, आप ऑनलाइन स्केटिंग सीख सकते हैं। सेकेंड, उसके लिए आपको मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो करोगे आप स्केटिंग कर पाओगे। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन की स्केट्स कौन से लेने हैं, सर हमें क्या क्या बाय करना पड़ेगा। ओके, आपको सारे सवालों के जवाब देता हूँ आपको, क्या बाय करना है क्या नहीं बाय करना है, मार्केट में क्या अवेलेबल है और क्या नहीं है, उसमें से आपको क्या चूज करना है। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मॉनसून टू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आई होप सब लोग घर पे सेफ है, जब भी आप बाहर जाते हो आप मास्क पहन के जाते हो। ओके, चलो फिर देखते हैं मार्केट में क्या अवेलेबल है और कौन से टाइप ऑफ स्केट्स है, आपको क्या बाय करना है एंड व्हाट डू मीन बाय स्केटिंग। ओके, चलो। Skating is a sport in which blade like a runner or sets of wheels attached to your shoes. They are used for gliding on ice or other surface. This sport is recreational and competitive in nature. It helps improving your balance and build a strong physical endurance. Okay, chalo main aapko dikhata hu market mein kaun se skates available hai aur aapko kaun se buy karne hai, aapko kaun se buy nahi karne hai, kaun se step pe aap kaun se skate use kar sakte ho, kaun se surface pe aap kaun se skate use karoge. Okay, now first baby skates or toy skates you can call it, theek hai. तो बेबी स्केट्स ये मोस्ट ऑफ आपको प्लास्टिक में मिलेंगे या फिर स्मॉल साइज में मिलेंगे। यहाँ पे एक प्लास्टिक वाला बेल्ट होगा या लेस होगा, ये एडजस्टेबल होते हैं, फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड तक ये चल जाएंगे आपको। दीज आर एडजस्टेबल स्केट्स, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फुट साइज। ओके, इसके लिए आप कैनवस शूज यूज कर सकते हैं या फिर कोई छोटा स्पोर्ट शूज जो इसके अंदर कंफर्टेबली बैठ सके। इसका नाम है टॉय स्केट्स और बेबी स्केट्स। नंबर टू, बिगिनर एडजस्टेबल स्केट्स, ये आपको जॉनेक्स के मिलेंगे, एरोस्पीड के मिलेंगे, कॉस्को में है, ऐसे और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आपको ये वाले बाय करने बेसिक सीखने के लिए, जब भी आप स्केटिंग स्टार्ट करोगे तभी आप ये स्केट्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक बेल्ट मिलेगा जो आप एडजस्टेबल होता है, लेस है, सेम थिंग अगर आपका शू साइज थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए आप बाय कर सकते हो। ये भी आपको एडजस्टेबल है, ये आपके फुट साइज के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्ड फीट स्केट्स, यहाँ इसके ऊपर आपको एक लेदर का शूज मिलेगा अटैच किया हुआ, फिक्स होता है ये, नीचे एक फाइबर की फ्रेम्स है, पॉलीयुरेथेन के व्हील्स है विद बेरिंग्स, इसके अंदर बॉल बेरिंग्स है, इसके अंदर बेरिंग्स है। ये आपको स्टॉक में भी अवेलेबल है, स्टॉक में रेडी साइज में होता है एक फिक्स साइज, और सेकेंड होता है जो कस्टम और सेमी कस्टम, जिसमें आपका शू साइज लिया जाता है उस हिसाब से आपको ये शू स्टिच करके मिलेगा, इट्स कॉल्ड कॉर्ड स्केट्स। नेक्स्ट, रिक्रिएशनल और इनलाइन स्केट्स एडजस्टेबल, इसमें भी आप साइज सेट कर सकते हो, इट्स कॉल्ड रिक्रिएशनल स्केट्स, इसमें हाई एंकल सपोर्ट होता है, आप अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इनलाइन स्पीड स्केट्स और रोलर ब्लेड, आप देखोगे इसके और इसके व्हील साइज में बहुत डिफरेंस है। ओके, अगर आपको प्रोफेशनल स्केटिंग करना है, स्पीड स्केटिंग करना है इनलाइन में, तो आपको ये स्केट्स बाय करना है। इसका शूज जो है इट्स कॉल्ड कार्बन फाइबर मटेरियल। ओके, जो फ्रेम है मटेरियल है इट इज एलॉय कार्बन एंड व्हील्स है पीयू मटेरियल होता है पॉलीयुरेथेन, उसके व्हील्स होते हैं, इसके अंदर स्पीड बेरिंग्स है, इसके वजह से आपका स्पीड और इंप्रूव होता है। नेक्स्ट, ये सारे स्केट्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल देखने मिलेंगे। नेक्स्ट, ये सारे हो गए रोलर स्केट्स जो आप रोड पे या फिर कोई स्मूथ सर्फेस पे चलाओगे। नेक्स्ट इज इट्स फॉर आइस स्केटिंग, यहाँ पे व्हील्स नहीं है, यहाँ पे आपको ब्लेड्स अटैच किया हुआ है, जो दिख रहे हो आप शूज सेम रोलर इनलाइन का और आइस का ब्लेड का शूज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, बट इस शूज के नीचे ब्लेड अटैच किया हुआ है, यहाँ पे व्हील्स नहीं है, एक शार्प किया हुआ ब्लेड होता है, एक स्मूथ एज जो आइस कट करता है और उस पर ग्लाइड होता है।
तो आपने स्केट्स देख लिए, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग स्केट्स है। मैं इसका हर एक का पर्पस आपको एक अलग से सेशन दूंगा, हर एक स्केट्स का अलग पर्पस है, वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। राइट नाउ आपको कौन से स्केट्स अवेल, आपको कौन से स्केट्स बाय करने हैं। सो अगर आपके शू साइज छोटा है एकदम फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए, तो आप टॉय स्केट्स या फिर बेबी स्केट्स ले सकते हो। थोड़ा बड़ा साइज है थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड टू एट स्टैंडर्ड, एडजस्टेबल बिगिनर स्केट्स बाय करना है। बिगिनर स्केट्स, एडजस्टेबल बिगिनर स्केट्स, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि यही स्केट्स बाय करना। फॉर द बिगिनर आप जब भी स्टार्ट करोगे ये स्केट्स बाय करना। इसका रीजन ऐसा है, दीज आर एडजस्टेबल स्केट्स, यहाँ पे बोल्ड दिए है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फुट साइज। ओके, और ये विदाउट शूज आता है, इसको शूज अटैच नहीं होता, आपको शूज आपके साइज के हिसाब से पहनना है और फिर शूज इस पर अटैच होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो कर सकते हो। आप कोई भी बिगिनर स्केट ले जाओ, उसका शूज लेंथ आपके शू फीट साइज के हिसाब से अटैच एक्सटेंड करना है। इसको लेस आता है और एक बेल्ट होता है। सजेस्ट करूंगा कैनवस शूज यूज करना आपका, कोई भी कैनवस, कोई भी स्पोर्ट्स शूज भी अटैच है बट कैनवस इसके साथ बहुत कंफर्टेबल होता है। ठीक है, कैनवस शूज पैर में पहन के इसके अंदर डालना है। ठीक है, लेस इसी एंगल में सेट करना, आपका टो जो है ये आपके फ्रंट व्हील के ऊपर होना चाहिए। बहुत लोग ये अंदर ले लेते हैं, आपका टो यहाँ से बाहर आ जाता है, विच इज रॉन्ग। इसे सेट करना है, इसे लेस टाई करना है, लेस मैक्सिमम टाइट हो सके, जितना टाइट हो सके उतना टाइट टाई करना है। और बेल्ट, बेल्ट लगाते समय हमेशा याद रखना है ये जो बेल्ट है, बेल्ट का जो क्लिप है ये एक साइड में आना चाहिए, ऐसे ही बेल्ट टाई करना। ओके, अगर आप इसे यहाँ पे बीच में लोगे तो आपको हर्ट करेगा, ये आपको लगेगा आपके पैर को, अगर ये सेंटर में होगा तो आपके पैर को लगेगा ये। ओके, तो उसे ऐसे सेट करना है इस साइड में, और जितना टाइट हो सके उतना टाइट करके इसे लॉक कर देना है। तो ऐसे पहनते हैं इसे। ओके, सेकेंड ऑप्शन है, आप ये शूज है ये इसे अटैच करके ले सकते हो। अगर आपको ये बेल्ट और लेस का झंझट नहीं चाहिए तो आप कैनवस शूज लेके किसी भी कॉबलर के पास आपको ये मिल जाएगा अटैच करके। ओके, या फिर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो उसके लिए। ओके, इनमें से अगर आपको कुछ डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर सकते हो। ओके, सेकेंड से और एक बात है, मतलब अब जब तक मैं किसी को बोल रहे कोई स्केट्स बाय नहीं करेगा। ओके, आपको जब भी नोटिस आएगा तभी आपको स्केट्स बाय करना है। ओके, आज का सेशन इतना ही था, आपका नेक्स्ट सेशन होगा स्केटिंग के लिए क्या क्या फिटनेस डेवलप करना है, कौन से मसल्स यूज होते हैं, वो आपको मैंने नेक्स्ट सेशन सिखाऊंगा, उसमें आपको वर्कआउट करना है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते।